हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। मुझे पता है आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। हम लोग राजगीर घूमने आए हुए हैं और इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले ही बना चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं ग्लास ब्रिज घूमने का और बाकी का एडवेंचर ब्रिज, बहुत सारी चीज़ें ऐसे चीज़ें हैं जो आप देखकर एक्साइटेड महसूस करेंगे। हम लोग तो बहुत खुश हैं और आशा करते हैं आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों, ये है नेचर सफारी की सबसे बेहतरीन जगह। यहाँ जाने के लिए अंदर एक गाड़ी मौजूद है जिस पे बैठने के बाद 3 किलोमीटर अंदर जाया जाता है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं नेचर सफारी में सबसे बेहतरीन जगह, जहाँ की खुशबू, जहाँ का वातावरण, जहाँ का माहौल देखकर आपके दिल में दम से खुशी का अनुभव महसूस होगा। तो देखिए, यहाँ बच्चे भी इतना एक्साइटेड हैं। और ये देखिए, यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है, यही बोर्ड के पास से अंदर जाया जाता है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो हम लोग अंदर इन कर गए। मेरी मम्मी नहीं जा सकी क्योंकि उसे चढ़ने, उसके पैर में बहुत सारा प्रॉब्लम है, वो चल नहीं सकती, लेकिन न पहाड़ों पे चढ़ सकती है। लेकिन हम लोग जा रहे हैं, सारे लोग हम लोग गए। और ये देखिए, बहुत सारे लोग अभी लाइन लगा हुआ है इतनी धूप में यहाँ देखने के लिए। इतनी बड़ी बड़ी लाइनें, लग रहा है कि सच में कुछ ऐसा चीज़ है वहाँ पे, कुछ ऐसी बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी, तभी इतनी लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं इतनी धूप में कड़कड़ाती हुई। मत पूछिए, हम लोग भी उसी लाइन में लग गए। और देखिए, यहाँ पे बड़े भी, बुज़ुर्ग भी, और हम उम्र भी, और छोटे बच्चे भी, सब लोग देखने के लिए लाइन में खड़े हैं, क्योंकि राजगीर का जो ये नज़ारा है वो शायद बिहार में तो क्या, मेरे ख्याल से इंडिया में भी इस तरह का नहीं बना है। तो देखते हैं ऐसा क्या है ग्लास ब्रिज में जाने के लिए, वहाँ का नज़ारा देखने के लिए। तो देखिए, मेरा भाई मेरे साथ लाइन में खड़ा है और मेरी बहन भी, और हम अंदर चले गए क्योंकि मुझे सबसे पहले चारों तरफ का व्यू चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, नेचर से बहुत ही नज़दीक है, दिल से जुड़े हुए हैं, और ऐसी जगहों पे मुझे बहुत आनंद महसूस होता है। तो देखिए मैं कितनी खुश हूँ, और लाइन के पार करके मैं अंदर चली गई हूँ ये बनाने के लिए। तो देखिए, अब हम ग्लास ब्रिज के लिए देखने के लिए अंदर घुस चुके हैं और ये हम लोग जा रहे हैं, ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। बहुत धूप है, ग्लास बहुत गर्म है, इसके लिए हम लोग को स्लीपर मिला हुआ है और वो पहन के हम लोग को चढ़ना है, नहीं तो नीचे के पैर में छाले पड़ जाएंगे। खूबसूरत नज़ारा है, मुझे तो देखकर ऐसा आनंदित महसूस हो रहा है कि लग रहा है कि मैं सच में यहीं पे रह जाऊं, यहीं पे बस जाऊं। प्लीज़ दोस्तों, आप ज़रूर एक बार आइए और देखिए ये ग्लास ब्रिज से कितना अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। तो वाओ, मैं देख सकती हूँ कितना अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है। और यहाँ के पहाड़ हैं, पर्वत हैं, इसमें मिट्टी में लाइट आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है, जैसे सूरज के रोशनी से लाइट ज़मीन पे पड़ रही है और नीचे से रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में माइका है और वो माइका इतना लाइट कर रहा है, चमक रहा है कि देखने में बहुत ही आनंदित महसूस हो रहा है। और हम जा रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज पर, तो देखते हैं वहाँ पर ऐसा क्या सस्पेंस है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इतने लोग क्यों एक्साइटेड है उस सस्पेंशन ब्रिज को देखने के लिए। और ये देखिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं और उस नज़ारे को महसूस कर रहे हैं दिल में। मैं
देखिए यहाँ पे बच्चों का दिल बहलाने के लिए बहुत कुछ बनाया गया है और ये बड़े भी डर जाएंगे देखकर क्योंकि बड़ा सा अजगर मुंह फाड़े हुए खड़ा है। तो देखिए हम लोग खाना खाना खाए और खाना खाकर बहुत ही आनंदित महसूस कर रहे हैं कि इसने दौड़ने भागने और भूख लगने के बाद तो भूख तो लगनी थी। चलिए हम लोग खाना खा लिए हैं और अब यहाँ से हमारी फिर एक सफ़र शुरू होती है और फिर अब चलते हैं मंदिर की तरफ क्योंकि मम्मी को बहुत इच्छा थी कब से, क्योंकि उनको तो मंदिर जाना था, उनको कुंड जाना था। तो ये देखिए आप मंदिर का नज़ारा देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये सब जितने समय से हम दिखा रहे हैं ये हम लोगों के लिए था और अब मम्मी की बारी है क्योंकि उनको मंदिर जाना था, मंदिर देखना था। तो ये है राजगीर की बहुत ही प्राचीन काल से बहुत ही पुरानी मंदिर और ये है हनुमान जी का मंदिर। यहाँ की बहुत सारी मान्यताएं हैं तो आप देख सकते हैं ये कुंड है और ये गर्म पानी आता है क्योंकि इस कुंड में कहीं से भी पानी आता नहीं, अपने आप एक पहाड़ी से पानी आता है और वो गर्म आता है। तो हमारी मान्यता है कि हम इस कुंड में नहाएं, इस पानी से नहाएं तो जितनी भी तकलीफ़ है, शारीरिक तकलीफ़ हो या बाकी के जो भी तकलीफ है वो सही हो जाएंगे। हम यहाँ आगे जापानी मंदिर और जापानी मंदिर में भगवान महावीर की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई हुई है। तो देख सकते हैं हम यहाँ की साफ़ सफाई और कितनी खूबसूरत है मंदिर। अंदर जाकर देखते हैं आखिर क्या है इसके अंदर, ऐसा क्या चीज़ें हैं जो जापान में चलती है और हमारे यहाँ उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा देखने का चलन है क्योंकि हम अपनी चीज़ों को कम देखते हैं और बाहरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखते हैं और उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर महावीर की एक मूर्ति बैठी हुई है और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ बहुत ही आके सुकून मिला और शांति क्योंकि साफ़ सफाई का यहाँ पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। हमारे मंदिरों में बस यही एक छोटी सी कमी है कि इतनी सफाई देखने को नहीं मिलती है जो कि हमें देख कर ही सीखना चाहिए। और यहाँ आने के बाद हम एक चीज़ देखें कि ये जापानी मंदिर यानी कि जापान के लोग सफाई के मामले में हमसे कहीं आगे।